गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये एक पैंट ली थी मैंने बाजार से, बेल बॉटम, बड़ी चौड़ी चौड़ी मोरियो वाली। तो भाई ये ढिल्ली आ रही है, इसको देखानी है टेलर के पास टाइट कराने के लिए। मेरी है 28 कमार है, 28 से भी कम है। तो भाई ये पैंट देख आनी है और अपने केले लेके आने हैं, दो सेब लेके आने हैं, बस इतना ही है। लो जी, लो पैंट रख दी है, अभी इसको कर देते हैं बंद। अगर इसको बंद ना करें ना तो ये हवा में जब चलती है गाड़ी तो हवा में ऊपर आ जाता है और कोई भी पैंट निकाल के भाग जाएगा। और ये चेक करो ये भी एक कंपार्टमेंट बन गया, यहाँ भी कुछ सामान रख सकते हैं, नहीं तो पहले ये ऐसे जुड़ रहा था। लो जी लो, आप सोच रहे होगे अभी तो यहाँ से निकल के गया था और एकदम से वापस से ये सामान आ गया, इसमें गिर जा पहले। लो भाई, चार दो सेब करते करते 1 किलो सेब आ गए। और भाई ये पैंट का भी काम नहीं हुआ क्योंकि आज ट्यूसडे पड़ गया तो उसने दुकान बंद कर रखी है। देख गिरने को जा रहे सारे। ले भाई 1 किलो सेब, 1 दर्जन केले। ओ, बाहर निकलते ही पसीना आता है। 5 मिनट बाहर निकला और भाई ऐसी तैसी होगी, धूप ने ऐसी तैसी कर दी। ये जलेबी पड़ी है परसों की, किसी ने खाई नहीं। देखो तो है भी या खाली नहीं पड़ी है, ये देखो परसों की जलेबियां पड़ी हैं। हाँ, अरे भाई पूरी सील की, हम तो केले खाएंगे अपने। आ जा, हाथ में भी नहीं आ रहे 4 केले। केले खा लो भाई, खा लो, ले लो एक। चार केले खत्म, फूल बन गया। और ये देखो भाई मेरे नए जूते कैसे लग रहे हैं। और ये मेरी नई गाड़ी आज भी ऐसी है जैसे शोरूम में से निकली हो, बट वो चमक खत्म होगी, वो तो पॉलिश वगैरह लगा के पूरा एकदम अच्छे से खड़ी करते हैं। ये मेरे बालों को क्या हो गया बे, अभी सही है। चलो जी अभी खाएंगे 1 सेब, 1 घंटा हो गया। सबसे पहले दूध पत्ती पियेंगे, दूध पत्ती मतलब दूध में थोड़ी सी पत्ती लगा देते हैं तो उसको पियेंगे। ओ मम्मी दे दो भाई। अबे यार ये मेरी पैंट, आज ट्यूसडे पड़ गया नहीं तो आज मैं इसको फिट करा देता। ये भाई नीचे भागी जाती है एकदम, इतनी लूज है। कमर है इसकी लूज, बाकी तो सब ठीक है। मेरे को ये करानी है इतनी, देखो लगभग इतनी इतनी टाइट होगी ना, एकदम फिट आएगी बिल्कुल। लो जी SSC का एग्जाम दे लो गाइस। ये खड़ी है अपनी बाइक, ठीक है जी। और ये कॉलेज है सिटी पब्लिक इंटर कॉलेज उत्तराखंड। ये लो जी मेन गेट वो है उसका, ये गेट नंबर 1। टाइम देख रहे हो, फोकस 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 फोकस। ले भाई 3:36 हो गए और पिछले मैं आया था यहाँ पे 2:40 पे, देख लो तब का खड़ा हूँ। और एंट्री बंद हो गई है गेट की, बिल्कुल ताले लग गए।
अभी लग रही है भाई भूख, अभी कोई ढाबा देखना पड़ेगा। ले भाई खा लिया दोपहर का खाना, मटर पनीर, चावल, एक नान रोटी, बाकी सलाद खाने का मन ही नहीं करा। अभी बिल देते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। लो जी भाई खुल गया गेट, ना ना ये तो किसी का पार्सल आया था, पार्सल वाला अंदर गया है। 5 बजे छूटेंगे और ये देखो कैमरा देख रहे हो, और ये इधर जितनी भी भीड़ है ना ये सारी एग्ज़ाम देने आई है और दिलाने आई है। और ये है भाई खाने का बिल, 130 का पनीर, 80 के चावल, 15 की एक रोटी, टोटल हो गए 225। भाई खड़े खड़े 5 बज गए। ये अपनी गाड़ी है भाई, ये अपना बैग रखा भाई, और बस कुछ ही मिनट है, मुश्किल से 10-15 मिनट और रुकेंगे, उसके बाद बच्चों की जो टाइमिंग है वो पूरी हो जाएगी। 1 घंटे का पेपर था 4 से 5, ऑनलाइन एग्ज़ाम था ये। और ये देखो भाई रिक्शे वालों की भी भीड़ लगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिक्शे खड़े हैं। लो जी लो 8:20 हो गए, 1 सेकंड लाइट जलाने दो, ये राउटर अंदर लगेगा, बाहर क्यों लग रहा है ये। और मैं आया था 6:40 पे, और आते ही 1 गिलास पानी पिया, उसके बाद तो भाई सीधा बेड पे पड़ गया, और अब उठाऊं इतनी बढ़िया नींद आई है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दिन का जागा होगा। जो खतरनाक नींद आई है ना भाई बहुत बढ़िया। अभी क्या सीन है, सीन कुछ ऐसा है, जो हमारा ये कूलर है ना, कूलर इस कूलर को हम लगाएंगे बाहर, यहाँ पे इसकी परमानेंट सेटिंग कर देंगे। आप सोच रहे हो बाहर से अंदर हवा कैसी जाएगी, वो जाएगी ऐसे, ये खिड़की, ये वाली खिड़की जो कांच वाली है ना, ये ऐसे ऊपर को खुल जाएगी ऐसे, और फिर कूलर के ऊपर रखी जाएगी, कूलर इस खिड़की के नीचे आएगा, इतने में लगभग कूलर इतना आएगा और खिड़की इसके ऊपर चली जाएगी। देखो मैं आपको खोल के दिखा दूँ, अंदर से खुलेगी, ये पर्दा हट रहा है। अरे भाई ये तो सारा हट रहा है, देखना कौन है इसका, बस अपने को ये खोलनी है इधर से ये, और उधर से आई गिर गई, उधर से बस हो गया काम अपना बस। और लेकिन जब ये खुलेगा तो अंदर की भी तो खुलेगी ना ऊपर। ओहो ज़्यादा मेहनत करवाएगा लगता है मेरे को ये कूलर, देखो ये पूरी खुल के ऊपर तक हो जाएगी, पूरी यहाँ तक खुल जाएगी ये, समझ गए। और अगर हाइट छोटी पड़ी उसकी कूलर की तो मेरे को चारों कोने हैं ना उसके नीचे इंटे रखनी पड़ेंगी, तो इंटे ऊपर रखी हैं, अब 2 या 3 इंटे तो आएंगी हर एक कोने पे, तो देखते हैं पहले इसको ऐसे ही रख के देखते हैं। लो जी लो आधा काम तो हो गया है, इसको तो ऊपर कर दिया है हमने खिड़की को, ये देखो एकदम पूरा खिंच गया, इस पे चाहे गिटार बजा लो कोई, देखो आवाज़ सुनो एकदम बिल्कुल टाइट है, 15 से 20 लेयर बना दिए इसकी हमने, और एकदम मजबूत हो गया है, इतनी आसानी से तो टूटने वाला नहीं है, और इतना सा काम करते ही ये देखो पसीने। अरे अभी तो इंटे भी रखनी है, एक तो इसके अंदर पानी और भर रहा है इसलिए भारी हो गया ये, अगर खाली होता ना तो आराम से उठा के इसको मैं कहीं भी रख देता,
और मैं सोच रहा हूँ कि उस वाले कोने में इंटे कैसे रखी जाएंगी। हाँ भाई साहब, पानी चेक करो, पानी, शरीर का पानी, ये है पसीना है। कौन आरो वाला क्या कह रहा था? वो सूखा पड़ा है, वो देख। क्या पड़ा? वो पड़ा गोल गोल। गोल गोल क्या है ये? सपेसा? अच्छा, ये फिल्टर काला तो हो रहा। ये एक बाल्टी भाई मैंने इंटे उतारी अभी, ये देखो, और पसीना चेक करो। रखे जाएगा कैसे वो भाई? उसकी हाइट छोटी पड़ रही है, जैसे मैंने आपको कहा था, अब इनके नीचे तीन तीन इंटे रखी जाएंगी हर कोने पे, तब जाके ऊपर उठेगा। लो जी लो, अभी आवाज़ कर रहा है। पहले तो आवाज़ कर नहीं रहा था, लेकिन अब आवाज़ कर रहा है, पता नहीं क्यों। इसकी मोटर वगैरह हिल गई होगी इस वजह से। बाकी ये है, ऐसा कुछ सेटअप करा है भाई, अंदर से खोल दिया, इधर हमारा सेटअप रखा है, ये हमारा बेड है, और ये अंदर से आवाज़ आ रही है खतरनाक। अरे आवाज़ बंद होगी बे। आवाज़ बंद होगी, इसका यही है, कभी आवाज़ चल जाती है, कभी बंद हो जाती है। ये देखो फिर से चालू होगी, फिर बंद होगी। तो बस भाई, आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।